फास्ट न्यूज की खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्म कुमारी संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के 99वें जन्मदिन पर देश और दुनिया भर से बधाई संदेश मिले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी खास बधाई संदेश में कहा कि दादी एक प्रकाश स्तंभ है। इस दौरान डॉक्टर संदीप नेने समेत कई लोग उपस्थित थे। नमस्कार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान की आध्यात्मिक प्रमुख एवं मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी को 99वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। आपने अपने जीवन के बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय जीवन को अपनाया तथा अपना संपूर्ण जीवन इस सेवा में समर्पित किया। अपने युवा अवस्था में आप प्रथम ब्रह्मा कुमारी रहे जिन्होंने जापान में इस ईश्वरीय सेवा की नींव डाली। आपने हजारों ब्रह्म कुमारी बहनों को इस सेवा के लिए योग्य बनाया। जबलपुर के आधारताल स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र द्वारा स्थानीय कटरा खेरमाई मंदिर में चैतन्य देवियों की लगाई गई झांकी। बीके रानू के नेतृत्व में 3 दिवसीय आयोजन रहा सफल। छत्तीसगढ़ के जतमई धाम परिसर में खडमा सेवा केंद्र द्वारा 9 देवियों की लगाई गई चैतन्य झांकी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंशु ने लोगों से राजयोग सीखने का किया आह्वान। रामनवमी के पावन पर्व पर माउंट आबू में निकली श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। बीके सदस्यों ने रैली का किया स्वागत सत्कार। वेस्ट बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर स्थित सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिकता के माध्यम से जन जागरूकता विषय पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अल्पना के नेतृत्व में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ संपन्न। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में ज्येष्ठ नागरिक संघ द्वारा स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा को समाज हित में किए गए कार्यों के लिए किया गया सम्मानित। मौके पर समाज प्रबोधनकार शारदा ताई मुंडे, मराठा महासंघ अध्यक्ष रुशाली मरर समेत कई विशिष्ट जन रहे मौजूद। राम जन्मोत्सव के मौके पर एमपी के सारंगपुर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने राम के आदर्शों पर चलने का लोगों को दिया संदेश। अतिथियों में राज्य कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा, नगर स्वच्छता निरीक्षक सतीश कंडारे समेत कई उच्च स्तरीय लोगों की रही उपस्थिति। बीजासन धाम में चल रहे सच्चंडी यज्ञ में 108 कुंडलीय श्री सच्चंडी महायज्ञ में मंदिर ट्रस्ट सेवा समिति द्वारा स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी एवं बीके प्रीति को पुष्पमाला और शॉल से किया गया सम्मानित। जल जन अभियान के अंतर्गत इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी स्थित सेवा केंद्र द्वारा क्षेत्र में लगाया गया ठंडे पानी का प्याऊ। बीके बाला के निर्देशन में लगे इस प्याऊ का उद्घाटन नगर काउंसिलर ज्योति गौतम एवं स्थानीय थाना SHO के करकमलों से हुआ संपन्न। रेडियो मधुबन के कम्युनिटी रिपोर्टर RJBK पवित्र ने आबू रोड ब्लॉक के चनार ग्राम पंचायत नाड़ी में नरेगा महिला श्रमिकों को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से दिया परमात्म संदेश। अहमदाबाद स्थित सुख शांति भवन द्वारा कांकरिया पब्लिक स्कूल में इंग्लिश और गुजराती मीडियम के लगभग 420 विद्यार्थियों को बीके राजीव ने मोबाइल और नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान से करवाया अवगत। भारत से सटे 7 बॉर्डर्स पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार का 8000 किलोमीटर का सफर 11 दिनों से कम में तय करने वाली पहली भारतीय महिला वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर शिप्रा गुप्ता को ज्वालागंज के ओम शांति भवन की प्रभारी बीके नीरा ने ईश्वरीय सौगात देकर किया सम्मानित। कर्नाटक के धारवाड़ स्थित वंगायन समुचय भवन पर होम्बिलाकू प्रतिष्ठान, धारवाड़ लेडीज क्लब, श्री साई PU कॉलेज के संयुक्त प्रयास से महिलाओं के लिए कार्यक्रम हुआ आयोजित। CB गुट्टल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर MS डॉक्टर मेघना देसाई समेत कई अतिथि शामिल। सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती के निर्देशन में कार्यक्रम हुआ संपन्न। ग्वालियर के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर पर ITM महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय आवासीय विशेष शिविर आयोजित।
कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर एसएन खेड़कर रहे मुख्य अतिथि। प्रभारी बीके ज्योति ने आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास को बनाए रखने का दिया संदेश। आध्यात्मिक ज्ञानोदय में दादी जानकी जी के जीवन की प्रासंगिकता विषय द्वारा लोगों को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य लेकर रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र पर आयोजन। झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी CMDIS भुवनेश प्रताप सिंह समेत कई नामचीन हस्तियां हुई शामिल। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने विषय पर डाला प्रकाश। कोरबा के टीपी नगर स्थित विश्व सद्भावना भवन द्वारा दादी जानकी जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। सेंटर प्रभारी बीके रुक्मिणी, वरिष्ठ अधिवक्ता बीके शेखराम, भूतपूर्व अभियंता बीके अनंगपाल पांडे ने दादी जी की स्मृतियों को सभी के साथ किया साझा। दुर्ग स्थित आनंद सरोवर रिट्रीट सेंटर पर राजयोगिनी दादी जानकी जी और दादी हृदय मोहिनी जी की जयंती दिव्य स्मृति दिवस के रूप में मनाई गई। स्थानीय प्रभारी बीके रीटा समेत उपस्थित भाई बहनों ने दादी जी को अर्पित की पुष्पांजलि। दादी जानकी जी के स्मृति दिवस पर कल्याण वेस्ट स्थित प्रभु मिलन भवन में बीके अल्पना, बीके अलका एवं बीके कुसुम समेत मौजूदा 100 से अधिक सदस्यों ने दी श्रद्धांजलि। आध्यात्मिक जागरूकता दिन के मौके पर भुवनेश्वर के केसुरा स्वागत विहार स्थित सेवा केंद्र पर दादी जानकी जी को श्रद्धांजलि देने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सुलभ सिस्टम्स के चेयरमैन कृष्ण भूषण सिंह रहे उपस्थित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्पुना ने दादी जी की योग्यताओं से सबको कराया अवगत। छत्तीसगढ़ के नवापारा राजिम स्थित त्रिमूर्ति भवन सेंटर पर राजयोगिनी दादी जानकी जी की तृतीय पुण्यतिथि पर बीके सदस्यों ने उन्हें किया याद। बैतूल में प्रचलित अखबार दैनिक भास्कर द्वारा बेस्ट वुमेन अवार्ड 2023 का आयोजन। बीके मंजू को अध्यात्म के क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करने एवं उन्हें सशक्त बनाने के लिए बेस्ट वुमेन अवार्ड का सम्मान। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। फास्ट न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।